शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन मेरे को बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तो हमें पवित्र और अति पवित्र स्थान में ले चल। ओ पवित्र खुदा, तेरे स्थान में आना चाहते हैं, तेरे पवित्र वेदी के पास आना चाहते हैं खुदा, और तू हमें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे पिता परमेश्वर, आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय परमेश्वर के कदमों में आइए, परमेश्वर के नजदीक में आइए। हालेलुया हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, परमेश्वर की सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर उस स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आराधना में ही छुटकारा है मेरे प्रियो, आराधना में ही चंगाई है। जितना आप आराधना करोगे आपको चंगाई मिलती रहेगी, आप जितना उसकी आराधना करोगे उतना आपको छुटकारा मिलेगा। जितने आप प्रभु की महिमा करोगे प्रभु आपको सामर्थ्य से भरना चालू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाबा रश्क नलरती, वो स्तुतियों पर विराजने वाला खुदा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास आइए, प्रभु के नजदीक में आइए। यदि हम आज आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते, उसकी महिमा करते हैं, तो हमारे जीवन में से हर प्रकार के कष्ट खत्म हो जाएंगे, हमारे जीवन में से हर प्रकार की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, हमारे जीवन में से हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाएगी। शर्त यह है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भरकर उसकी महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की बड़ाई करें। परमेश्वर आराधना के योग्य, महिमा के योग है, स्तुति के योग है, प्रशंसा के योग है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास आइए, प्रभु आपको आपके सारे कष्टों से छुड़ाएगा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कमा बाबा रश्कना लरती। हर एक जन ये प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। कमा बाबा रश्कना लरती। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आराधना में चंगाई और छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप आराधना करना चालू कर दीजिए, परमेश्वर की महिमा करना चालू कर दीजिए,
फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में से हर कष्टों को खत्म करना चालू कर देगा, आपके जीवन में से हर प्रकार की बीमारी को खत्म करना चालू कर देगा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम आपकी पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, आपके पवित्र अभिषेक से भरना चाहते हैं, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करने के लिए हमारे साथ हो। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से, पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए तू हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अभिषेक से भर दे। परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे खुदा, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए परमेश्वर आपके आराधना करना चाहते प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। पिता परमेश्वर ये स्वर्ग तो तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तूने समुद्र को चुल्लू भर में ले लिया है, इस आकाश को तंबू के समान ताना है, और इस पृथ्वी को तूने पिता परमेश्वर विद्या से नापा है। थैंक यू जीसस, तू महान परमेश्वर है, और पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, क्योंकि आराधना में ही चंगा है, आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही शांति है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपको आदर और सम्मान देना चाहते हैं खुदा। पिता परमेश्वर उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो इस समय में प्रार्थना में बैठे हैं। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से तूने छूले, उन्हें छूले, उन्हें अभिषेक से भर, अपने सामर्थ्य से भर, अपनी शक्ति से भर। पिता परमेश्वर जिस स्थान से वो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर उन स्थानों को पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आग बरसने पाए यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा उन जगहों पर होने पाए। पिता परमेश्वर जो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, जो आत्मा और सच्चाई से आपसे प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, नम्र और दीन होकर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, उनके हृदय छिदने पाए और उन्हें अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, और आज उनके जीवन में से हर प्रकार की कष्ट खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खम्बा बब्बा रश कनलरती, मेरे प्रियो आज आप नम्र और दीन होकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपके जीवन में से हर प्रकार के कष्टों को खत्म करेगा। विश्वास में आगे बढ़िए, वचन और प्रार्थना में आगे बढ़िए मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी आज बीमार है परमेश्वर, जो भी हॉस्पिटलों में है, जो भी बेड पर पड़े हैं पिता परमेश्वर, जिसको कोरोना हुआ है, जो नाना प्रकार के इंफेक्शन से पीड़ित है पिता परमेश्वर, उनको तू चंगाई दे। बार बार बुखार आना, बार बार शरीर में दर्द होना, बार बार छाती में दर्द होना, बार बार श्वास लेने में दिक्कत आना, सिर दर्द होना, प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु दया कीजिए, प्रभु रहम कीजिए, प्रभु चंगाई दीजिए, उनके जीवन में से सारे कष्ट खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खम्मा बाबा रशिक नलरथी रिका नलरबा नलरदा नलरबा, हर प्रकार के कष्ट आज मिटने पाए परमेश्वर, तू दया कर, तेरे लोगों पर रहम कर। पिता परमेश्वर तू स्वर्ग में से सुनकर उत्तर देने वाला खुदा है यीशु, तेरे वचन में साफ लिखा है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड, संकट के दिन तू मुझे पुकार, में तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, ये तेरा वचन कहता है। मेरे प्रियो प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके संग है, और प्रभु आपको सारे कष्टों से छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से उसके नाम की महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर अनाथ और विधवाओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो बेसहारा है परमेश्वर। पिता परमेश्वर बेसहारों का सहारा तो तू ही है पिता परमेश्वर, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, और पिता परमेश्वर कई लोग पिता परमेश्वर नाश हो रहे परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तो अपने लोगों को कभी भी भीख मांगने नहीं देगा, कभी भूखे मरने नहीं देगा, अकाल में भी तृप्त करने वाले परमेश्वर आप हैं, अपने लोगों को अकाल में भी तृप्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, बेसहारों का सहारा है
जिनका कोई नहीं है तू उनका है परमेश्वर। अनाथ और विधवाओं का न्याय चुकाने वाले परमेश्वर तू उनके संग है, और परमेश्वर उनके जीवन में से हर प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। जो पिता परमेश्वर बेरोजगार है उनको तू रोजगार दीजिए खुदा, यीशु के नाम से हमारा सिकनल रथिनल रदबडनल रबा ओ रिकनल रबनल रबा, यीशु के नाम से परमेश्वर उनके लिए तू जो कपकर बंद कीजिए खुदा, ताकि उनके जीवन में से हर प्रकार का कर्जा, उनके जीवन में से हर प्रकार के कष्ट खत्म हो जाए। प्रभु दया कर, प्रभु रहम कर, पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए विशेष करके उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जो तेरी राहों से भटक कर प्रभु पाप की दुनिया में, व्यभिचार की दुनिया में, मोबाइल गेम की गलत लत में पड़ गए परमेश्वर, नशा की दुनिया में है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे, उनके माइंड को डाइवर्ट कर दे परमेश्वर, यीशु तेरी ओर फिरने वाले बन जाए, तेरी ओर फिरने वाले बन जाए, तेरी ओर आने वाले बन जाए प्रभु, उनकी पाप की दुनिया खत्म हो जाए, नशा छूट जाए, गलत खान पीन छूट जाए, गलत पहरावा छूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। खम्मा बाबा रशिकनलरथिनलरबा, उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मोबाइल गेम में फंसे हुए हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर गलत लत में पड़ गए हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका लत छूट जाए, तुझ पर विश्वास करने वाले बन जाए, तुझ में आगे बढ़ने वाले बन जाए, प्रार्थना करता हूँ। हाँ यीशु, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते पिता परमेश्वर, उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, पिता परमेश्वर जो कोर्ट के केस में फंसे प्रभु, दया कर प्रभु, तू दया कर प्रभु, तू रहम कर और उनको कोर्ट के केस से बाहर निकाल पिता परमेश्वर, तू उन्हें कोर्ट के केस से बाहर निकालेगा और उनके सारे कष्टों को दूर करेगा, हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर, उनके विश्वास मजबूत होने पाए यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर वो विश्वास से भटकने वाले ना बने प्रभु, दया कर और उन्हें छुड़ा ले खुदा। हाँ यीशु, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया, उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जिनकी भूमि को किसी ने कब्जा किया है, पैसों के ऊपर कब्जा किया है, धोखे से लिया है, उन्हें फंसा रहे परमेश्वर, उन्हें धोखा दे रहे, उनके जीवन को बदल दे और पिता तेरे लोगों की तू सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सारा कर्जा खत्म होने पाए प्रभु, दया कर उनके पैसे, उनके भूमि वापिस आने पाए परमेश्वर, तू रहम कर परमेश्वर। हाँ खुदा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में शांति है, आराधना में अभिषेक है मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, खम्मा बाबा रशिकनल रथिनल रदनल रबा। हाँ खुदा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे खुदा, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, कई सालों से प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, उनके पास कोई औलाद नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर तू वंश देने वाला परमेश्वर, उनके कोख को खोलने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह तू दया कर, उनके जीवन में से, उनके शरीर में से नाना प्रकार की बीमारी, गुप्त रोग खत्म हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर उनका वंश उत्पन्न होने पाए प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनकी नाम धराई को दूर कर परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका बांझपन को खत्म कीजिए प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, जिस प्रकार तूने पिता परमेश्वर हन्ना के बांझपन को खत्म किया, जिस प्रकार तूने सारा के बांझपन को खत्म किया प्रभु, तेरे लोगों के बांझपन को खत्म कीजिए और उनका वंश उत्पन्न होने पाए प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो परिवार में अकेले है परमेश्वर विश्वास में प्रभु, वो पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर जो सताए जा रहे हैं परमेश्वर उनको, पिता तू हिम्मत दे, हियाव दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और पिता परमेश्वर उन्हें अभिषेक से भर दे, पिता परमेश्वर तेरे वचन को थाम कर वो खड़े रहे और परमेश्वर अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी को वो बताने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से, वो आत्माओं को जीतने वाले बने परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हाँ खुदा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उन लोगों के लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहते जो विश्वास से भटक गए हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे प्रभु, दया कर, नर्क की आग में जाने से तू बचा ले प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो तेरी राहों पर आने वाले बन जाए, तेरी राहों पर चलने वाले बन जाए प्रभु, दया कर मेरे प्रियो, आपको विश्वास से नहीं भटकना है, आपको कोई भी भरमा सकता है, शैतान आपको
कभी भी भटका सकता है। शैतान यही चाहता है कि आप यीशु मसीह के पास ना जाएं। शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करें। शैतान यही चाहता है कि आप स्वर्ग में ना जाएं। मेरे प्रियो, आप सावधान रहिए, प्रार्थना में बने रहो, विश्वास में बने रहो, आपको कोई भरमाने वाला ना बने। मेरे प्रियो, प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु में आगे बढ़िए। हाँ खुदा, हाँ स्वामी, तूने अभिषेक से भर, अपने सामर्थ से भर, वो विश्वास से ना भटके खुदा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हाँ खुदा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे खुदा, मेरे स्वामी, तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, जो सेवक गण है उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर। उन्हें तू जीवन दान दे, जीवन दान दे, जीवन दान दे, तेरे राज्य के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। जितने भी कोरोना पॉजिटिव, जितने भी आज बीमार में है परमेश्वर, तू उन्हें चंगाई दे, अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर। और पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को उठाकर खड़ा कीजिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। कोई भी मरकर नरक में ना जाए प्रभु, दया कर, प्रभु दया कर, इस देश को बचा ले, भारत देश को बचा ले, विश्व भर को बचा ले। इजराइल के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अंधकार की शक्ति मिटने पाए, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, तेरे ही हाथों में सौंप दे तो प्रभु, तेरे लोगों को अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, हर प्रकार का अटैक खत्म हो जाए। प्रभु दया कर, प्रभु रहम कर, प्रभु रहम कर। यीशु, यीशु, तेरा धन्यवाद करते, तूने प्रार्थना को सुना। मेरे खुदा, मेरे स्वामी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर। उन लोग के लिए, उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो टूट रहे, बिखर रहे परमेश्वर। पति पत्नी अलग हो रहे परमेश्वर पिता, उनके जीवनों को बदल दे, उनके जीवन परिवर्तन हो जाए परमेश्वर। वो अलग अलग ना रहे, वो आपस में मिलने पाए परमेश्वर। उनके बीच में से हर प्रकार का व्यभिचार, अपराध, पाप खत्म हो जाए प्रभु। पति पत्नी के बीच में से हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, बुराइयां खत्म हो जाए। और पिता परमेश्वर, प्रेम की संधि दीजिए, वो आपस में प्रेम करने वाले बन जाए और परिवार सहित आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए। ऐसा प्रार्थना करता हूँ प्रभु। दया कर, प्रभु रहम कर, प्रभु अभिषेक से भर दे परमेश्वर। टूटने और बिखरने से तू बचा ले खुदा। हाँ यीशु, हाँ पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। जो शादी के लिए हो चुके हैं, जीवन साथी का प्रबंध कीजिए। उन लोगों में प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, तो प्रबंध और व्यवस्था कर परमेश्वर। हाँ खुदा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। तेरे लोगों को अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, पवित्र आत्मा का आग उतरने पाए और परमेश्वर के हृदय छिदने पाए और यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा मिलने पाए खुदा। हाँ यीशु, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। आज हर एक जवानों के लिए, हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो आपको नहीं जानते प्रभु, वो तेरी राहों पर आने वाले बन जाए, वो आपको जानने वाले बन जाए और वो अपने जीव से अंगीकार करने वाले बन जाए, उनका घुटना तेरे सामने टिकने वाला बन जाए प्रभु। यीशु के नाम से तू दया कर, तू दया कर, कोई भी नरक में ना जाए परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु में अनंत जीवन प्राप्त करने वाले बन जाए प्रभु। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, खम्मा बाबा रश कनल रथिनल रदा बनल रदा, यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में दे देते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पास लाता हूं प्रभु। तू दया कर, प्रभु तू दया कर, प्रभु रहम कर और तेरे लोगों को अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे और उनके जीवन में से हर परेशानी, हर कष्ट, पीड़ाएं खत्म हो जाए, हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, नाना प्रकार का इन्फेक्शन, वायरस खत्म हो जाए यीशु के नाम से। रब यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते प्रभु। दया कर, प्रभु रहम कर। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए और प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, क्योंकि आराधना में और प्रार्थना में छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे किसान भाइयों का अभिषेक से भर पिता, उनके जीवन में से, उनके परिवार में से, उनके शरीर में से नाना प्रकार की बीमारी, कर्जा, कष्ट, पीड़ाएं यीशु के नाम से खत्म हो जाए और परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर प्रभु। तू दया कर, तू दया कर खुदा। हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, इज़राइल को याद करते प्रभु। वो तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर परमेश्वर, हिम्मत और हियाव दे परमेश्वर, वो खड़े रहे आपके लिए परमेश्वर। हाँ खुदा, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना। भारत देश को बचा ले प्रभु, नर्क की आग से बचा ले,
हाँ खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पास लाता हूँ। तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। हमारे जीवन देह प्राण आत्मा को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दि नाम से मांगते हैं, आमीन। तर्मिजन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो परमेश्वर महिमा के योग है, आदर के योग है, प्रशंसा के योग है। और वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की महिमा करें और प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि चंगाई और छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। स्वाटर कलीसिया आपके लिए हमेशा प्रार्थना करती है, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के नाम की महिमा लगातार करते रहें। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।